हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मुअल्लिम के हैसे से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे अजीज होनहार तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू डिक्टेशन लिखाने जा रहा हूँ, यानी इमला नवेसी, जिसको हम अपनी जुबान पे बोलते हैं मुंह जबानी। ठीक है, तो मैंने आज मन बनाया के बच्चों को अब तक डिक्टेशन नहीं लिखाया गया, तो आज बच्चे को डिक्टेशन लिखाना चाहिए। कभी कभी बच्चों को डिक्टेशन भी लिखाना चाहिए, जबानी भी लिखाना चाहिए। तो आज आपको डिक्टेशन लिखाया जा रहा है और आप उम्मीद से मैं आपसे उम्मीद भी किया हूं कि आप कॉपी और कलम लेकर के तैयार हुए होंगे। और कॉपी कलम लेकर के तैयार रहते हैं और उम्मीद करता हूं कि कॉपी कलम लेकर के आप ये डिक्टेशन लिखते होंगे। तो निकालिए कॉपी कलम और लिखिए वस्ताद का अदब। क्या लिखेंगे? वस्ताद का अदब। प्यारे बच्चों, दूसरी सदी हिजरी में इमाम अली बिन हमजा कसाई रहमुल्लाह ताला, देखिए कसाई रहमुल्लाह ताला लिखेंगे, ठीक है, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। क्या गुजरे हैं? बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। खलीफा हारून रशीद के दो बेटे अमीनुन रशीद और मामून रशीद जब छोटे से थे तो खलीफा ने उनको इमाम कसाई का शागिर्द बना दिया। इमाम कसाई दोनों शहजादों को बड़ी मेहनत और शफकत से तालीम देते थे। क्या करते थे? शफकत से तालीम देते थे। एक दिन लिखिए, एक दिन वह उन्हें सबक पढ़ाकर उठने लगे। उन्हें सबक पढ़ाकर क्या करने लगे? उन्हें सबक पढ़ाकर उठने लगे तो दोनों शहजादे, यानी हारून रशीद बहुत बड़े बुजुर्ग भी थे, बहुत बड़ा बादशाह भी गुजरा है, दौड़े के उस्ताद के जूते उठाकर उनके सामने रख दी, सीधा करके रख दी। ठीक है, आप लोग इस तरह करते हैं? सरकार टीचर हो, उस्ताद है, उर्दू में उस्ताद बुलाया जाता, अरबी में उस्ताद बुलाया जाता, ठीक है, अरबी में मुअल्लिम बुलाया जाता है, उर्दू में उस्ताद बुलाया जाता है, ठीक है। इस पर दोनों में झगड़ा हो गया। एक कहता था मैं जूते उस्ताद के सामने रखूंगा, एक कहता था मैं जूते उस्ताद के सामने रखूंगा, दूसरा कहता था मैं रखूंगा। इमाम कसाई ने शहजादों को झगड़ते देखा तो उन्होंने फरमाया भाई यूं करो कि अमीन एक जूता उठाए और मामून रशीद दूसरा। अमीन एक जूता उठाए और मामून रशीद दूसरा। उन्होंने इसी तरह किया। खलीफा हारून रशीद को इस वाकया की खबर मिली तो उसने इमाम कसाई को बुला भेजा। जब वो आए तो खलीफा ने उनसे पूछा, हमारी सल्तनत में सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन आदमी है? इमाम कसाई ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन से बढ़कर कौन इज्जत वाला हो सकता है? खलीफा ने कहा, नहीं, उस्ताद के सामने किसी की इज्जत नहीं होती है, उस्ताद ही इज्जत वाले होते हैं। बच्चों के सामने
वो उस्तादों की, टीचरों की इज्जत होनी चाहिए। बड़े बादशाह का बेटा हो, बड़े बादशाह का बेटा भी हो, तो उसकी बादशाह के सामने उस्ताद की इज्जत होनी चाहिए। तो मेरा पेरेंट्स है, पेरेंट्स के सामने सबसे ज्यादा पहले इज्जत किसकी होनी चाहिए? तुम्हारे उस्ताद टीचरों की। ठीक है प्यारे बच्चों, आज आपका डिक्टेशन यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद। तमाम बच्चों से मैं अपील गुजारिश करता हूँ कि इस नाचीज बंदे के लिए दुआ में याद रखेंगे हमेशा हमेशा। ठीक है, ओके, बाय, गुड।